Hello everyone, I will teach you subject Hindi. We will start ka se fa. देखो बेटा, क से न के पहले तो आपको कंटिन्यू मैंने क से न करवाया, फिर हमने उसके श्रुत लिखी है, खाली स्थान किए हैं और बाद के वर्ण किए हैं। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता था। अब हम आज करेंगे कंटिन्यू क से फ, लगातार हम बोलते जाएंगे और करते जाएंगे क से फ। राइट इन योर बुक नोटबुक, खरगोश,
करना है, वोवल आई प्लेस करना है और प और फ के टू पेज आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपका आता है नोटबुक का वर्क, जो आपने अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ओके बेटा, फिर आप लिखोगे ख, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक, थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक जाते हुए ऊपर की तरफ बनाते हुए हम सीधी रेखा खींचते हुए हाफ गोला लगाते हुए बनाएंगे ख। सेकेंड लाइन से खींचते हुए आधा गोला बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए नीचे ले जाते हुए नीचे तक आते हुए हम बनाएंगे क। और सेकंड लाइन से हम फोर्थ थर्ड लाइन तक आते हुए थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन कर मुड़ते हुए जाते हुए ऊपर सीधी रेखा खींच के आधा गोला बनाएंगे ख। राइट हैंड करो ख। हाँ जी, राइट आंसर होगा घ। फिर हम छोटी सी रेखा खींचते हुए इसको ट की तरह घुमाते हुए फिर हम दोबारा से घुमाते हुए घुमा के बना देंगे अनखाली। राइट आंसर करो अनखाली। फिर हम सेकंड और थर्ड के बीच में लेटी हुई रेखा खींचते हुए नीचे की तरफ लाते हुए ऊपर जाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए बनाएंगे च। राइट आंसर करो च। हाँ जी, राइट आंसर करो च।
फिर हम बनाएंगे सेकंड लाइन से हाफ सी, कंप्लीट सी, ऊपर जाते हुए बीच में से निकालते हुए बनाएंगे छ, छोटी रेखा खींचते हुए सी बनाते हुए उसे उल्टा ले जाते हुए टच न करते हुए हम बीच में से निकालते हुए जाएंगे, फिर हम सीधी रेखा खींचेंगे, फिर रेडी हुई रेखा सीधी रेखा से मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा झ। राइट हैंड करो झ, उल्टा सी बनाते हुए सीधी रेखा खींचते हुए लेटी हुई रेखा बनाते हुए बनाएंगे अणे खाली। राइट हैंड करो अणे खाली, सीधी रेखा खींचते हुए इसे घुमाते हुए फिर इसको पीछे की तरफ घुमाते हुए हम जाएंगे ड। राइट हैंड करते जाना बेटा, टाइम दे रही हूँ मैं आपको, बीच बीच में जो आपको टाइम मिल रहा है वो किसका है? राइट हैंड का ड, मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। सीधी रेखा खींचते हुए
उसकी सी रेखा बनाते हुए टा टमाटर बनाते हुए टच ना करते हुए इसके बीच में से निकाल के टच करके लाइन से हम बनाएंगे द। राइट डाउन करो द। कंप्लीट योर वर्क।